क्या आप भी अंग्रेजी के सभी वाक्यों में फुल स्टॉप का यूज करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अंग्रेजी के हर तरह के वाक्य में फुल स्टॉप का यूज नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां पे हम एक्सक्लेमेशन के साइन का यूज करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में तो बहुत सारे हम साइन का यूज करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक्सक्लेमेशन के साइन का हम यूज कहाँ करते हैं। तो एक्सक्लेमेशन का साइन का यूज हम वहाँ करते हैं जब हमें यह बताना होता है या हम यह दर्शाते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन के साइन को का यूज करते हैं। ये फीलिंग आपको एंगर वाली हो सकती है, ये फीलिंग आपको फ्रस्ट्रेशन वाली हो सकती है, सैड वाली हो सकती है, हैप्पी वाली हो सकती है, या आपको शॉकिंग वाली हो सकती है। तो इस तरह की फीलिंग को दर्शाने के लिए हम वाक्य में फुल स्टॉप के बदले एक्सक्लेमेशन साइन का यूज करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल से देखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आप कितने सुंदर हो। तो यहाँ पे क्या है कि उसकी सुंदरता के बारे में बात हो रही है और वहाँ पे वो सुंदरता से सरप्राइज हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य में हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करके हम एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। अगर हम बोल रहे हैं कि ओह नो, आई जस्ट रिसीव्ड अ हार्ट ब्रेकिंग न्यूज, मुझे तुरंत एक दिल दहला देने वाली समाचार मिला, तो इस तरह के वाक्य में शॉकिंग हो रहा है। तो शॉकिंग को भी दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप के बदले एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। अगर हमको बोलना है व्हाट अ सेम, तो यहाँ पे भी क्या है, आप देख रहे हैं कि इस तरह के वाक्य में भी हम फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन का यूज करेंगे।